अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो प्लीज YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर लाइक कमेंट और शेयर करें। दमण में आयोजित होने वाले गणेश उत्सव को लेकर DIG ने मंडप आयोजकों को गणेश महोत्सव के दौरान सुरक्षा संबंधी उपायों, यातायात सुदृढ़ रखने, देर रात तक लाउडस्पीकर नहीं बजाने जाने, प्राथमिक चिकित्सा हेतु उचित व्यवस्था करने सहित विभिन्न नियमों के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गणेश पूजा और मुहर्रम दोनों ही महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। वो बड़े पैमाने पे इस पे आयोजन होता है और इसलिए हमने इस बार तमाम लोगों को इनवाइट किया था और बड़ी संख्या में 250-300 लोग आए थे पंडाल के ऑर्गेनाइजर्स, और उस पे हमारे पुलिस अफसरों ने सारे कानूनन बातें हमको बताई, समझाया, और मूलतः 2-3 बातें उनको बताना था। एक तो कि पुलिस की तरफ से उनको सहयोग रहेगा, पुलिस का अरेंजमेंट रहेगा, जहाँ भी पुलिस की ज़रूरत पड़ती है बिना हिचक वो हमसे सहायता मांग सकते हैं, एक तो ये था। दूसरा ये था कि कुछ तत्व जो पंडाल लगाते हैं वो कानून का वायलेशन करते हैं, 3-4 तरह के वायलेशन होते हैं, और उसमें एक तो होता है कि जबरन चंदा उगाही, उस पर उनको बताया गया कि हम लोग केस रजिस्टर करेंगे और अरेस्ट करेंगे अगर इस तरह की हरकत पाई गई। दूसरा यह है कि ट्रैफिक जाम करने की आदत, कि पंडाल को रोड के ऊपर लगा के ट्रैफिक रोड का हिस्सा रोक लेना और ट्रैफिक उससे जाम होता है। और तीसरा है जो रात को देर तक लाउड स्पीकर बजाना और उसकी वजह से आम जनता को तकलीफ देना। तो इनके अलावा छोटी छोटी और भी दिक्कतें हैं, जब वो विसर्जन के टाइम उनका डिसिप्लिन में ना होना, और इसलिए मैंने पंडाल के ऑर्गेनाइजर के साथ साथ जिनके भी DJ हैं उनको भी बताया है कि उनकी DJ सीज कर लूँगा अगर उनके DJ से जो प्रेस्क्राइब डेसिमल है उससे ऊंची आवाज़ में और जो रात का समय है 10 बजे उसके बाद बजाएंगे तो उनके ऊपर एक्शन होगा। उसी तरह जो मोटर व्हीकल है जिसपे गणपति की मूर्तियाँ लेके वो निकलते हैं, उस ड्राइवर और उस ऑनर की जिम्मेवारी है कि उसकी गाड़ी कोई वायलेशन ना करे, कोई ट्रैफिक रूल का उल्लंघन ना करे, अगर करेंगे तो उनके खिलाफ़ भी एक्शन होगा, यानी DJ के खिलाफ और गाड़ी वालों के खिलाफ और पंडाल वालों के खिलाफ, तीनों के खिलाफ हो सकता है एक्शन अगर वो तीनों कानून तोड़ते हुए पाए गए। और इसके अलावा हमने उनसे कोऑपरेशन की अपील भी की है और आम नागरिकों से भी मैं अपील करता हूँ, त्यौहार का समय है, थोड़ा एक दूसरे के सहयोग से इस त्यौहार को, सड़क पे जब मूर्ति विसर्जन होती है लंबे लंबे लाइन लगती है तो उसमें थोड़ी सी पब्लिक भी सहानुभूति रखे, थोड़ा सा धैर्य रखे, और जो ऑर्गेनाइजर हैं वो भी पब्लिक की तकलीफ का ध्यान में रखते हुए आपसे सहयोग से शांतिपूर्वक इसको सम्पन्न करें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो प्लीज YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर लाइक कमेंट और शेयर करें। रुक, मुझे आने दे, फिर शुरू करते हैं। एक बार से कुछ नहीं होता, होने को ना एक ही बार काफी है, सुरक्षा का ख्याल रखना आदत है मेरी। गिरा, गिरा, गिरा। अच्छी आदत है। चल चल जल्दी कर, 5 मिनट का तो काम है यार, एक बार हेलमेट नहीं पहना तो क्या आफत आ जाएगी? अगर आ गई तो आदत है यार। आदत आदत। देखा, बोला था ना, अच्छी आदत है। अरे देखना कितना मजेदार वीडियो है। अब मैं रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है, संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना, अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। शुक्रिया, मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूँ पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV/AIDS, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है, इसलिए कॉन्डम हर बार। एक अच्छी आदत।